यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है हेयर के लिए और कंडीशनर का भी काम करता है। तो इसमें से मैं 3 से 4 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने स्काल्प के हिसाब से लीजिए। अब कोकोनट ऑयल को आप एक डबल बॉयलर की मदद से इस तरह से भी गर्म कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में रख के भी गर्म कर सकते हैं। अभी तेल गर्म हो चुका है, आपका स्काल्प और हाथ जितना सह सके उतना ही हमें वार्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसमें अभी मेरे पास टी ट्री ऑयल है, ये एसेंशियल ऑयल है, तो इसमें से मैं बस 6 से 7 बूंदें ही डालूंगी। टी ट्री ऑयल आपके स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन भी करता है। अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन वगैरह है, रेडनेस है, इची स्कैल्प है या फिर डैंड्रफ है, तो वो सारी चीज़ों को ये निकाल कर स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन। आप अपने बालों को पैट ड्राई कर लीजिए, इससे आपकी ये जो ऑयल है वार्म वाला हमने जो रखा हुआ है ये आपके स्कैल्प में अच्छी तरह से जाता है और आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन भी करता है। तो आपको पहले बालों को अच्छी तरह से गीला कर देना है, उसके बाद आप टॉवल से रैप कर दीजिए तो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकल जाएगा और वो पैड ड्राई हो जाएगा। या फिर आप इसी तरह का कोई एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए जिससे आप अपने स्कैल्प को गीला कर लीजिए। और इसके बाद आप इसको अपनी टिप पर लेकर अपने स्काल्प पर इसको मसाज करना है, इसको बालों पर नहीं बस स्काल्प पर ही मसाज करना है। और ये प्रोसीजर आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो स्काल्प है वो अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा। अगर कुछ डैंड्रफ वगैरह है, आपका जो इची स्काल्प रहता, इस तरह से मसाज आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो स्काल्प है अगर उसमें डैंड्रफ वगैरह है, इचीनेस है या फिर रेडनेस है, ये सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा तो मिलता है, उसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इसको अच्छी तरह से अपने बालों के ऊपर मसाज करना है और ये प्रोसीजर आपको 10 से 15 मिनट। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, आप कोई कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चौड़ा मुंह वाला पतीला लिया हुआ है, इसको गर्म कर देंगे। अभी पानी गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैंने टॉवल को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, आप देखिए टर्न करके रखा हुआ है। इस तरह से करने से आपको पानी निकालने में आसानी होगी। आपका स्काल्प जितना सह सके उतना ही हमें गर्म करना है इस पानी को। और ये मैंने आधा गीला कर दिया है, इसको बस हल्का सा और टर्न कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। इस तरह से आपको रैप कर देना है अपने बालों के ऊपर। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है, इससे आपके जो स्काल्प के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे ताकि हम जो हेयर स्पा का क्रीम जो लगाएंगे रूट से लेकर पूरा टिप तक वो अच्छे से अंदर जा सकेंगे। ये एक बहुत अच्छा सा क्रीम है, इससे आपकी ब्रेकेज की परेशानी पूरी तरह से कम हो जाती है और साथ ही साथ आपके बाल अगर रूखे हैं पूरा रूट से लेकर नीचे तक हो या फिर आधे से हो या फिर आपको स्प्लिट एंड्स की परेशानी है या फिर नीचे से आपके बाल आधे से टूट रहे हैं या फिर पूरा जड़ों से टूट रहे हैं, इससे एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला जो हेयर स्पा आपको 10 से 15 दिन में एक बार करना है। ब्यूटी पार्लर में आप जो हेयर स्पा करते हो उसका पर्पज़ भी यही होता है कि बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ किया जाए और साथ ही साथ हम जो क्रीम लगाएंगे उसकी वजह से आपके बालों की जो ब्रेकेज की परेशानी है या फिर जो ड्राई फ्रिजी हेयर की जो परेशानी है वो भी नहीं रहती है। तो वो वाला चीज़ हम घर पर भी कर सकते हैं और घर पर जो अवेलेबल चीज़ है उसी से ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेटेड किए हुए नारियल ले लिए हैं, आप इसको कट पीस करके भी ले सकते हैं।
इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब इसको छान लेंगे। अब इसको और एक बार ब्लेंड कर लेंगे। अब हमें ये नारियल का दूध मिल चुका है, अब इसको मैं एक चौड़े मुंह वाली जगह में डाल के इसको अभी फ्रीज में रख दूंगी। फ्रीज में अभी इसको आपको ओवरनाइट आप रख सकते हैं या फिर मिनिमम 4 से 5 घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस तरह से आप कोकोनट जो मिल्क है उसके ऊपर की मलाई को हर 2-3 घंटे में निकाल सकते हैं या फिर इसको ओवरनाइट रख के भी सुबह एक ही साथ निकाल सकते हैं। इसको तब तक निकालना है जब तक आप सारी मलाई ना इससे निकाल दें और नीचे पानी ना रह जाए। इसको फिर से मैं फ्रीज में 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि और थोड़ा सा मलाई निकल सके। यहाँ पर मेरे पास विटामिन ई की कैप्सूल्स है, इसमें से मैं अभी 2 काट के डाल दूंगी। कोकोनट क्रीम आपके बालों को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट करता है और सिल्की करता है, और विटामिन ई की कैप्सूल उसको टेक्सचर देता है हेयर को और ग्रो करने में मदद करता है। और यहाँ पर मैं अभी डालूँगी ऑलिव ऑयल, इसको मैं 2 टीस्पून डालूँगी। ऑलिव ऑयल आपके बालों को थिक करने में मदद करता है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। इसको आपको फ्रीज में ही रखना है, फ्रीज में स्टोर करना है। इसको आप एक बार बनाकर बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैंने आधे बालों को ऊपर टाई अप कर लिया है। अब आपको एक साथ बहुत सारे नहीं लेने हैं, पतला पतला ही स्ट्रैंड्स लेने हैं और इसके साथ आपने जो क्रीम बनाया हुआ था उसको लेकर अच्छे से पूरा स्काल्प से लेकर पूरा टिप तक आपको लगाना है। इस तरह से पूरी तरह से लगाने के बाद आप इसको 30 से 40 मिनट ऐसे ही रैप करके रखना है और उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर से बालों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए।